विनय से कुछ जानना है मुझे। विनय का एक मोबाइल है व्हाइट कलर का, जिसमें मैसेजेस काफी आते हैं और एक दो मैसेज तो मैंने इसके पढ़े हैं। विनय थोड़ा सा वो बता दो कि मैसेज क्या थे। वो रॉन्ग मैसेज है। वो लड़की कौन है जो आपको मैसेज करती है? वो मुझको नहीं पता, मेरी कोई नहीं। देखो डांस तेरे खुद नहीं सीखा होगा है ना? हाँ। मुझे पता था ये रोबोट है। अच्छा नाम आपका बता दो यार उसका। मैंने कहा ना वो कोई नहीं है, मेरी तो बस ही नहीं। अच्छा मुझे कहना था। अरे बता रहा हूँ ना, नहीं है। अच्छा चलो एक डायलॉग जो है वो आपको बोलना है मेरे साथ। थप्पड़ से डरने लगता साहब, प्यार से लगता है। इसको थोड़ा सा रोमांटिक मूड में, एकदम रोमांटिक मूड में। अच्छा शादी के लड्डू खाए हुए कितने साल हो गए आपको? मैं कहीं जाते नहीं। आपकी शादी को कितने साल हो गए? आप ज्यादा बोल रहे हैं सर, 5 साल ज्यादा बोल रहे हैं। ये 5 साल प्लस कैसे हो गए? तो सर इन 35 सालों में कितने लड्डू खाए हैं? अब लड्डू खाना ही छोड़ दिया? बाकी जो मैं उनको कह रहा था आपको दोहराना है, शादी लाल की शादी के साथ लड्डू 7 रुपए सेर। शादी लाल के 7 लड्डू 7 रुपए। शादी लाल की शादी भी तो कराओ ना। शादी लाल की शादी के साथ लड्डू 7 रुपए सेर। शादी लाल की शादी के 7 लड्डू 7 रुपए सेर। बहुत अच्छे है, तालियां सर के लिए। कितने साल हो गए आपकी शादी को? 16। 16? 16 मुझे ऐसा लगा 100 बोलने वाले हैं। इतना मुंह बड़ा खोला है ना भैया। 2 मिनट। और अच्छा दोनों की केमिस्ट्री कैसी है वो देख लेते हैं आज। चाची जी ने आज चश्मा क्यों नहीं लगाया है? लगाती नहीं है। लगाती नहीं लगाती है आज तो लगाया आज आज ही देखा इन्होंने। भैया मिला क्या वो वाला सॉन्ग जो घर पे डांस करते हैं? आप बता रहे थे वहां पे कि हम प्रिपरेशन करते हैं घर पे डेली, जो है 1 घंटा हम डांस करते हैं। कौन सा गाना है वो? डेली तो डांस नहीं करते। बेटी के साथ जरूर करते हैं। अच्छा अच्छा वो कौन सा गाना? बेटी कहाँ पर है? बुला लो। अच्छा सो गई वो। ओके तो अच्छा इसीलिए उसकी परफॉर्मेंस जो है थोड़ी लेट की है हमने, जिससे वो थोड़ी देर सो के उठ जाए। जितने जो है मम्मी पापा जो है डांस कर लेंगे। डीजे भैया जल्दी से बजा दीजिए इनका वही वाला सॉन्ग। ये जो माला है इनको इनकी श्रीमती जी को पहनानी है। श्रीमती जी इनकी पास में जो महिला है वो इनकी क्या लगती है? ताई जी। ताई जी को पहनानी है आपको। ताई जी ताऊ जी को पहनाएंगे। ठीक है दोस्त जी। अरे यार मरवा दोगे आपको। ताऊ जी कह रहे हैं कि क्या नाम है आपका? ताऊ जी कह रहे मैं वनिता जी को पहनाने मजाक कर रहा था। इधर इधर पहले इधर देख लो। तो चलिए प्रोग्राम जो है स्टार्ट करते हैं। गेम समझ में आ गया आपको? डीजे भैया सॉन्ग जो है कुछ हिट करिए। और भैया ने उधर सॉन्ग बंद किया और इधर जिसके हाथ में माला हुई वो आउट हो जाएगा। तैयार है? वो बंदा आउट होगा पर कपल आउट होगा। तो पूरा कपल आउट हो जाएगा। बंदा आउट होगा तो फिर क्या करेगा? आप भी ताऊजी की इशारों में चल रहे हो लग रहा है। तो डीजे भैया हिट कर दो एक म्यूजिक जबरदस्त। हाँ क्या बात है। मुझे पहला मौका माफ कर दिया जाए। आप इनकी जगह आप आउट हो रहे हैं। अच्छा इसी बात तो रखनी पड़ेगी। चलिए भैया इनको एक ये वो कहते ना वो ट्राई बोल दी इसलिए वापस से। अभी तो ये समझे भी नहीं थे और आउट हो गए इसलिए वापस से फिर से मौका मिल रहा है सर आपको।
मुझे ये बता दी मैं कहाँ जाने वाली। अच्छा ट्रैक छिटा है थोड़ा 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 थोड़ा। मोबाइल नंबर पता है ना? अच्छा भैया के मोबाइल नंबर क्या है? 9001994121957193246। और तीसरा नंबर? मुझे तो तीसरे नंबर से कॉल आया था। वो नहीं पता आपको? भैया क्या बात है, तीन तीन नंबर। अभी अच्छा चुप रहूँ अभी, ठीक है। अच्छा भैया को नंबर मालूम है? कौन सा नंबर? तीसरा वाला। भाभी का नंबर बताओ। 9413535041। पोस्टल एड्रेस मालूम है आपको? बताओ 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 पोस्टल एड्रेस जल्दी से। पता है, बिल्कुल पता है। गंगानगर हाउसिंग बोर्ड 343। पिन कोड? पिन कोड। अच्छा अपना एड्रेस भी इनको बता ही दो यार पब्लिकली। आज कहाँ जाने वाले हैं वो? ये जावर जाने वाले। एड्रेस जो भी नहीं बता। ये आपने सुना ही नहीं। ज्योति जी आप बताइए कहाँ ले जाने वाले हैं आपको, कहाँ घूमना है, हनीमून का क्या प्लान है? हाँ चलो यार आज सीक्रेट खोल दो। अच्छा कहाँ जाना पसंद है आपको, कहाँ जाना आप चाहते हैं? अच्छा दोनों मुझे ही घुमा रहे, आप कहाँ लेके जाना? चलिए भैया और भाभी दोनों मुझे घुमा रहे हैं। सॉन्ग प्रिपेयर करने का टाइम आपको कहाँ पे मिला? बिल्कुल भी नहीं मिला। बिल्कुल भी नहीं मिला फिर भी इतना जबरदस्त। अच्छा क्या करवाया आप भैया को? प्रपोज करवा दें? कौन बोला? हाँ कौन बोला ये? आप बताओ कि कैसे करेंगे? ऐसे नीचे बैठ के आप बताओगे? एक बार आगे एक बार प्लीज भेजो इनको ऊपर, भेजना एक बार, एक बार भेजो इनको ऊपर। नहीं आएंगे आप सभी तो भी। चलिए भैया भाभी को जो है आप लोगों को प्रपोज करना है। तालियां आपकी बजती रहनी चाहिए। अच्छा एक गाना जो है मैं गाता हूं उसको आपको साथ देना है। काटे नहीं कटते ये दिन ये रात, काटे नहीं कटते ये दिन ये रात, कहनी थी तुमसे जो दिल की बात, कहनी थी जो तुमसे वो दिल की बात। आगे आप बोलेंगे देखिए। लो आज मैं कहती हूं आप कुछ बोलेंगे क्या होता है? आई लव यू। और इधर से क्या डिक्लेयर है? आई लव यू टू। बहुत अच्छे। चलो भैया उधर से प्रपोज करना आप देखना चाहिए। पापा जी को मैंने एक डायलॉग दिया है, कुछ कुछ होता है तुम नहीं समझोगे। चलिए पापा जी जो है माइक पर बोलने वाले हैं, कुछ ध्यान से सुनिएगा। इधर नजरें जो है पापा जी की तरफ होनी चाहिए आपका। कुछ कुछ होता है तुम नहीं समझोगे। क्या बात है, ये तो आवाज को थोड़ा सा रोमांटिक मूड में डाल रहे हैं। फिर से थोड़ा सा और रोमांटिक होते हुए। कुछ कुछ होता है नहीं। अच्छा इधर से क्या आवाज आने वाली है? ओ माय गॉड। अरे एक बार वापस से। ओ माय गॉड। अपनी आवाज आते कितनी हंसी आती है नहीं? अब सोचो तो मैं कितना हंसता हूँ। कुछ कुछ होता है तुम नहीं समझोगे। इतना तो बोल लिया हमने। वंश में रोना चाहिए ना, रोना चाहिए।
आवाज तो आई नहीं रही वंस मोर की, सबको मजा आ गया। देखो आप मतलब छा गए हो, आज के हिरन बन गए हो आपका फिर से। यस और इधर से क्या रिप्लाई आने वाला है जल्दी से। सब कुछ तो होता है नहीं समझोगे। बहुत अच्छे और मुझे काफी मजा आया आप सब।